नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। ऑपरेशन शीश महल पर घिरी आम आदमी पार्टी ने रविवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आबकारी नीति मामले में अदालत की ओर से दो आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद रविवार को कहा कि इस मामले में पार्टी पर झूठे आरोप लगाने के लिए बीजेपी माफी मांगे। आपके वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दो आरोप लगाए हैं कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अब अदालत ने भी कहा है कि रिश्वत लेने देन किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोस सबूत नहीं है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि पूरा आबकारी घोटाला फर्जी है और इसका मकसद केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। आतिशी ने दावा किया है कि कल राउस एवेन्यू अदालत ने राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दे दी थी। अदालत के आदेश में यह कहा गया कि ईडी ने रिश्वत के लिए नकदी का लेन देन दिखाने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया। आदेश में यह भी कहा गया कि ईडी ने गवाहों के कुछ अस्पष्ट बयान भी अटैच किए हैं। इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से दो आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। यह पहला आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने लगाया है। दूसरा आरोप यह है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए उनको आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। ये आरोप पिछले एक साल से बार 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 भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुना रहे हैं। लेकिन कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। दो लोग जो इस केस में अरेस्टेड थे, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उनको कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और एक 85 पेज का ऑर्डर कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। ये जो ऑर्डर कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पढ़े। मैं चाहूंगी कि जो सारे टीवी चैनल पिछले एक साल से इस तथाकथित घोटाले की रिपोर्ट्स चला रहे हैं, इस ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि कल का ये राउस एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा। तो जो पहला एक्यूजेशन है, जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अब आरोप लगा रही है, पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी लेकिन उन आरोपों को अब झूठा बताया है आम आदमी पार्टी ने और हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का।
देखिए मुस्कान, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आप कार्य नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही थी, और लगातार ये भी कहा जाता था कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन जो है वो इस शराब कारोबार से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को दिया गया है। मगर यहाँ पर कहते हैं जिस तरीके से कल आतिशी के द्वारा दिल्ली सरकार की जो मंत्री है आतिशी, उनके द्वारा पहले ट्वीट किया गया, उसके अंदर ये कहा गया कि बड़ा घोटाला की जो आबकारी नीति है उसके अंदर बड़ा खुलासा जो है वो लगभग 12:30 पर किया जाएगा। इसको लेकर जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई उसके अंदर भी आतिशी के द्वारा यह कहा गया कि जो कहते हैं राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर दो व्यक्तियों के जो नाम सबसे ज्यादा चल रहे थे उसको लेकर अब राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई। राजेश जोशी की बात करें या फिर कहें गौतम मल्होत्रा की बात करें तो दोनों को ही दिल्ली कहते हैं राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई, जिसके अंदर बार बार ईडी और भाजपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दोनों ही कारोबारियों की तरफ से 100 करोड़ रुपए का लेन देन जो है वो इस शराब घोटाले के अंदर किया गया है। मगर यहां पर ईडी के द्वारा कोई भी सबूत ना पेश करने की वजह से कोर्ट की तरफ से दोनों व्यक्तियों को जमानत मिल चुकी है, यानी कि आबकारी नीति के तहत जो बड़ा घोटाला बताया जा रहा था उसके अंदर अब आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भाजपा के ऊपर और ईडी के ऊपर और सीबीआई के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। जिस तरीके से कल आतिशी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई उसके अंदर बिल्कुल कहा गया कि राजा जोशी और गौतम मल्होत्रा को जिस तरीके से जमानत दी गई और ईडी की तरफ से कोई भी सबूत जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको जमानत मिली है। और यही चीज बार बार कही जा रही थी कि आबकारी नीति के तहत कोई भी घोटाला जो आम आदमी पार्टी के तहत नहीं किया गया है, मगर अब जब ईडी के पास सबूत नहीं है और कहीं ना कहीं उनको जमानत मिली है तो साफ जाहिर है जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं झूठे थे, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब कहीं ना कहीं भाजपा और ईडी और सीबीआई के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे थे कि ईडी के पास सबूत है और सीबीआई के पास सबूत है, मगर वो सबूत जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं भाजपा और ईडी और सीबीआई जो है वो खुद कटघरे के सवालों के घेरे के अंदर गिरती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है और साफ कहा गया है कि बीजेपी इस पर माफी मांगे, कारण ये है कि झूठे आरोप लगाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसमें ये भी साफ जाहिर है कि पुलिस ने कई ऐसे बयान दर्ज किए हैं जो अस्पष्ट हैं। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी का जोश हाई दिखाई दे रहा है, ऐसे में बीजेपी क्या कुछ कह रही है? देखिए यहाँ पर बात करें राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर शनिवार को जिस तरीके से शराब घोटाले की सुनवाई हुई उसके अंदर दोनों कहते जो विटनेस बताए जा रहे थे उनकी तरफ से बिल्कुल उनको कहते हैं ईडी की तरफ से कोई भी सबूत ना पेशने के करने की वजह से उनको जमानत मिल चुकी है, और लगातार अब आम आदमी पार्टी के पास कहीं ना कहीं कहते हैं मुद्दा मिल चुका है जो बार बार कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं है और वही चीज कोर्ट के अंदर भी पेश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दोनों कारोबारियों को जो शराब कारोबारी है उनको जमानत मिल चुकी है, और अब कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर भाजपा की तरफ से इस बयान को लेकर यानी कि आतिशी के बयान को लेकर कोई भी बड़ा बयान जो है वो नहीं आया, मगर यहां पर भाजपा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ बोलती है और झूठ बोलने का काम करती है, जनता को गुमराह कर रही है, बड़ा घोटाला किया गया। मगर अभी भी कहीं ना कहीं उस घोटाले के लिए जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया, ईडी और सीबीआई के पास से ये कहा जा रहा था कि उनके पास सबूत है और सबूत जो है वो कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे, मगर कोर्ट के अंदर को सबूत थे जो 100 करोड़ रुपए का लेन देन था उसके लेकर भी कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से कोई भी बड़ा बयान जो है वो नहीं सामने आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 100 करोड़ रुपए का लेन देन था वो कहीं ना कहीं गोवा चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया, 30 करोड़ रुपए का भी जो गोवा चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया, इस तरीके का तमाम आरोप जो थे वो कहीं ना कहीं अब झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को अब मौका मिल चुका है और कहीं ना कहीं इसी मौके को लेकर या फिर कहीं इसी मुद्दों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमलावर होते नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें ईडी और सीबीआई की, तो ईडी और सीबीआई बार बार यही कह रही थी कि उनके पास बड़े सबूत है और बड़े सबूतों के साथ साथ कोर्ट में पेश किए जाएंगे, मगर यहाँ पर जिस तरीके से दोनों कारोबारियों को जमानत मिली है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ईडी के पास कोई भी ऐसा बड़ा सबूत नहीं है जो कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो दोनों कारोबारी थे उनकी जमानत याचिका जो थी वो कहीं ना कहीं खारिज होती। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि उनके पास सबूत है, मगर वो सबूत कोर्ट के अंदर क्यों नहीं पेश कर पाए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी मिर्जापुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि उनका आज ये दौरा है और इसी के साथ अयोध्या के दौरे पर भी वो रहेंगे। यहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 पर जीआईसी मैदान बाराबंकी और दोपहर 1:45 पर बापू अपरोध इंटर कॉलेज लालगंज मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:40 पर मणिराम दास छावनी नई बिल्डिंग अयोध्या में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज है और ऐसे में निकाय चुनावों में प्रचार के लिए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट की अपील करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी अयोध्या और मिर्जापुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं। जिस तरीके से निकाय चुनाव जारी हैं, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान अभी होने हैं, उसको लेकर चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी है। 11 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, ऐसे में कुछ ही समय अब शेष रह गया है जिसमें निकाय चुनाव के प्रचार में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। आज मिर्जापुर बाराबंकी और अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर आज सीएम योगी खुद जनता को विश्वास दिलाएंगे और निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनावों के प्रचार में जुटे हैं। कारण ये है कि स्टार प्रचारक है और सूबे के मुखिया, इस वजह से उन पर जिम्मेदारी है और यही वजह है कि वो लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रखे हैं, क्योंकि बीजेपी अब त्रिस्तरीय सरकार अपनी चाहती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और अब सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से निकाय चुनावों में भी जीत हासिल की जाए और जीत हासिल करने के लिए सूबे के मुखिया लगातार धुआंधार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बाराबंकी मिर्जापुर अयोध्या के दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं। सुबह 11:30 पर जीआईसी मैदान बाराबंकी में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:45 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे, जहां पर बापू अपरोध इंटर कॉलेज लालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम 3:40 पर मणिराम दास छावनी नई बिल्डिंग अयोध्या में आयोजित है, जिसमें जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता राजीव सिब्बल हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से अयोध्या के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, किस तरीके की तैयारियां इस समय? नमस्कार, आज योगी आदित्यनाथ जो है वो लगभग 3:30 अयोध्या आएंगे और वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी वो लगभग 4 से 5 दिन पहले भी अयोध्या आए तो उन्होंने एक जनसभा संबोधित की थी। यहाँ पे महापौर के प्रत्याशी जो भाजपा के हैं और पार्षदों के समर्थन के लिए उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो जो है अधिक से अधिक भाजपा को वोट दें और जो है भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएं। आज वो जो आ रहे हैं, आज वो मणिराम दास छावनी में आएंगे, जहाँ पे वो अयोध्या के साधु संतों से और भक्तजनों से जो है वो अपील करेंगे कि साधु संतों का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है अयोध्या में। उनका भी जो साधु संतों का एक जो वर्ग है या भक्तजनों का जो वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग है और वो एक निर्णायक भूमिका में होता है चुनावों की। तो आज उनसे भी योगी आदित्यनाथ अपील करेंगे कि वो भी अपना आशीर्वाद जो है भाजपा के सभी प्रत्याशियों को दें और अपने जो भी उनके अनुयायी हैं साधु संतों के, उनसे भी वो अपील कराने की कोशिश करेंगे कि साधु संत जो है अपने अनुयायियों से कहें कि वो जो है भाजपा के पार्षदों को और महापौर को और जो भी निकाय चुनाव संबंधित और भी जो पद है उनके वो चुनाव जिला के उनसे जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, अयोध्या की बात की जाए तो किस तरीके के चुनावी समीकरण देखे जा सकते हैं निकाय चुनावों के लिए?
कि हाँ अयोध्या का जो चुनावी समीकरण अभी तक का जो दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, उसमें समाजवादी पार्टी ही टक्कर में है, बाकी प्रत्याशी तो कांग्रेस के भी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के भी है, लेकिन वो कहीं भी लड़ाई में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो एक सर्वे किया है या जो एक जानकारी देखी है, पब्लिक का जो भी तक रुझान है खासकर अयोध्या को लेके, वो भाजपा की तरफ ही रुझान है और लोगों से बात हुई है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो भव्य बन रहा है या जो अयोध्या का एक निर्माण हो रहा है उसको लेके जो है बहुत ही ज्यादा लोग संजीदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कितनी सीटें अगर बात की जाए तो अयोध्या में आ रखी है जिन पर चुनाव इस बार होने हैं? जी हाँ, निकाय चुनाव में पार्षदों की 60 सीटें हैं, तो उसमें जो है लगभग जो है भाजपा को ये उम्मीद है कि हमारी लगभग जो है 75% हमारी सीटें हमारी आएंगी, उससे ज्यादा की भाजपा को उम्मीद है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा को क्या सीटें मिलती है। जहां तक बात है महापौर की और निकाय चुनाव में जो छोटी छोटे न्याय पंचायतें हैं उनमें चुनाव जीतने की, वहां पे भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं सशक्त हैं और उम्मीदवार जो भाजपा ने खड़े किए हैं वो मजबूतीदार उम्मीदवार हैं, जिनके पक्ष में जो है आज योगी महाराज जी आ रहे हैं और वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, और लगता है कि भाजपा को यहाँ पे बहुमत मिलने की अच्छी उम्मीद है अयोध्या से। राजीव, आज सुबह के मुखी आ रहे हैं अयोध्या में, धर्मनगरी है अयोध्या जहाँ पर वो आ रहे हैं, ऐसे में खुद क्योंकि वो संत हैं तो किस तरीके से जनता में उत्साह और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है? जी हाँ, अयोध्या की जनता में और कार्यकर्ताओं भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर हमेशा तो उत्साह रहा है, वो जब भी आते हैं तो एक अच्छा हुजूम जो है वो उनकी जनसभा को सुनने आता है, उसमें हर वर्ग के लोग होते हैं जो कि उनको सुनने के लिए आते हैं। अभी वो 4 दिन पहले भी अयोध्या में GIC के मैदान में आए थे, वहां भी उनको सुनने के लिए काफी लोग आए थे और एक अच्छी भीड़ थी जिसमें कि उनका 10 मिनट का भाषण था लेकिन काफी भीड़ थी, हजारों संख्या में लोग थे। आज भी अयोध्या में जो है वो संतों के बीच में आ रहे हैं, तो बाहर से भी कुछ संत आए हैं, बाहर से भी कुछ प्रभुजन भी आए हुए हैं और अयोध्या में जो है बाहर से कुछ भाजपा के बड़े कार्यकर्ता भी आए हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ जो है दिल्ली से भाजपा की मंडल अध्यक्ष रीना सेन जी भी, वो भी योगी जी के कार्यक्रम में आई हुई हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं और वो भी हमसे कुछ बात करना चाहती हैं। हम एक मिनट उससे बात कर सकते हैं कि हम भाजपा के जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें योगी जी के आगमन से पॉसिबल हो पाया है और इतना सुंदर अयोध्या का जीवोद्धार किया गया है जिसे देखकर एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि सब जानती है, जनता सब जानती है, सब बहुत सयानी है जनता, लेकिन मोदी जी और योगी जी की वजह से ही हमें इस पावन भूमि पर आकर इतना अच्छा सौभाग्य और इतना सब कुछ देखने के लिए। रीना जी, जैसा कि निकाय चुनाव चल रहे हैं, अभी आपके दिल्ली में भी निकाय चुनाव हुए थे तो उसका भी आपने अनुभव प्राप्त किया, जहाँ तक कि हमें ये पता कि आप शायद पार्षद के लिए आपने भी टिकट की अपील की थी और आप यहाँ निकाय चुनाव से संबंधित कार्य में आई है, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज मुझे महाराज जी को सुनने का मौका मिले, मुझे उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और मैं बहुत से मतलब मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ की जनता को कि डबल इंजन की सरकार है और आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिएगा और आप देश के हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए वोट करिएगा। ये हमारे साथ जो है दिल्ली महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रीना सेठ जी थी, इन्होंने अपनी बात रखी, ये आज और योगी महाराज जी के संबोधन को सुनने ही दिल्ली से आई हुई हैं। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज कई जिलों का दौरा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेली जिले अंतर्गत लोरमे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे आज और ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे। चंदली में रिपा का अवलोकन कर समूह के प्रतिनिधियों से चर्चा भी करेंगे सीएम और खुड़िया में जैव विविधता पार्क का अवलोकन कर ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से आभार कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत 11:45 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12:15 पर विधानसभा क्षेत्र लोरमी के ग्राम चंदली पहुंचेंगे। वे वहां चंदली में रिपा का अवलोकन कर समूह के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पश्चात 12:45 पर चंदली से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर ग्राम खुड़िया पहुंचेंगे और वहां 1 बजे मंदिर दर्शन और स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जैव विविधता पार्क का अवलोकन और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम खुड़िया में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने जा रहे हैं, प्रदेश व्यापी उनका ये कार्यक्रम है जिसमें आज वो लोरमे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम भूपेश बघेल लोरमी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान ग्राम कुड़िया में आम जनता से भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का भी फीडबैक लेंगे। शेड्यूल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे ग्राम चंदली पहुंचेंगे। वहां से सीएम भूपेश बघेल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया का भी अवलोकन कर जो वहां समूह काम करते हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं सुनने के बाद मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से क्रियान्वयन करते हैं, उनकी जो आगे की रणनीति तय करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके बाद हेलीकॉप्टर से 1 बजे खुड़िया पहुंचेंगे, जहां पर मंदिर दर्शन के पश्चात स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद वहां पर जैव विविधता पार्क का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ उनके हितग्राहियों से भी चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे। आगे की उनकी कार्यक्रम की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम खुड़िया में आम जनता से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही साथ वहाँ शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक भी लेंगे। तो निश्चित तौर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं और तत्काल जो भी समस्या रहती है उस पर कार्रवाई करते हैं, तो इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से सीधा बातचीत करते हैं और इस बात की जानकारी लेते हैं कि सरकार की जो योजना है, जो सरकार योजना चला रही है, समान तरीके की योजना है, वो योजना क्या अंतिम पंक्ति तक बैठे उद्योग तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ही नजरिया और ये प्रदेश में सिद्ध साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोरमी रेस्ट हाउस में समाज के जो लोग हैं, समाज सेवी संगठन हैं और प्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी भी समस्या सुनेंगे, उनसे फीडबैक देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिस तरीके से अंतिम समय में कार्यक्रम के अधिकारियों की बैठक लेते हैं और शासकीय योजनाओं में जो क्रियान्वयन चल रही है उसकी स्थिति पर समीक्षा भी करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए एक बड़ा पैठ बनाने की उनका जो सोच है, सरकार की जो सोच है वो नजर आते हैं। जी मुस्कान, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर करते हैं, बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टैगोर थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शिरकत की।
वरिष्ठ अतिथि के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के पूर्व कुलपति कुलदीप चंद अग्निहोत्री शामिल हुए। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के एमडी नीरज चड्ढा और समिति के संयोजक संजीव कुमार राणा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 500 से अधिक पूर्व सैनिकों वीर नारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने पूर्व सैनिकों से कहा कि मुझे आप सभी से ईर्ष्या हो रही है। जब मैं युवा था तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी सेना से होकर आपकी तरह वर्दी पहनूं। एयरफोर्स में पेपर दिया लेकिन मेडिकल में रह गया। सेना में होता तो आपकी तरह सम्मान ले रहा होता। राज्यपाल की कुर्सी तो ऊपर वाले की कृपा से है लेकिन आप सभी अपनी बहादुरी मेहनत के बल पर यहाँ हैं। सैनिक और पूर्व सैनिकों का जो सम्मान सोसाइटी में है वो दूसरे का नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में खुद राज्यपाल मौजूद रहे, किस तरीके से तमाम कार्यक्रम रहा? की बात की जाए तो चंडीगढ़ सेक्टर 18 में टैगोर थिएटर में जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों के समर्थन को जो है वहां पर जो है पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जो है वो भी मौजूद रहे। जो पूर्व सैनिक थे उनको सम्मानित जो है वहां पर किया गया और अपने हंसी अंदाज में जो है मजाका अंदाज में जो है पंजाब के राज्यपाल ने कहा कि अगर मैं डॉक्टर जिस तरह से बन गया हूँ तो मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है कि कहीं ना कहीं मैं भी जो है कहीं अगर नेवी में चला जाता, कहीं अगर आर्मी में चला जाता तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है अपना अक्सर जब भी अगर बनवारी लाल जी की बात की जाए कार्यक्रम में अक्सर जो है मजाकिया अंदाज में कुछ ना कुछ वो अक्सर कहते दिखते हैं। जी, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, फिलहाल सैनिकों को जब सम्मानित किया गया तो ये गौरव का क्षण रहा जब कई सैनिकों को सम्मानित किया गया है। ऐसे में किस तरीके से जो राज्यपाल है उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया? बिल्कुल, जो सैनिक थे सैनिकों का मनोबल वहां पर बढ़ाया गया, सैनिकों को जो है सम्मानित किया गया और साथ ही में उन्होंने जो है सैनिकों से अपील भी की कि जिस तरह से जो आजकल के जो युवा पीढ़ी है जिस तरह से नशे की तरफ जो या गलत संगत में जा रही है तो उनको भी सुधार के लिए जो है आप अपने जो है कदम बढ़ाएं जो है इस तरह के जो है बातें भी जो है बनवारी लाल द्वारा जो है पंजाब के जो गवर्नर है उनके द्वारा जो है की गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। मुंबई में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने संजय राउत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। राउत अजित पवार के एनसीपी छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे के बीच आग लगाने वाले भी संजय राउत ही हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सभा के पहले मैंने बयान दिया था कि मैं एमवीए की आखिरी सभा होगी। तब किसी ने भरोसा नहीं किया था लेकिन उसके कुछ दिनों बाद एमवीए के लोगों ने ही अलग अलग कारण देकर यह कहा कि अब कोई वज्र मठ सभा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संजय राजाराम राउत 10 जून से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, उनकी तैयारी हो चुकी है, जल्द ही संजय राउत एनसीपी में जाने वाले हैं, इसलिए वो शरद पवार के पीछे पड़े हैं। इसलिए संजय राउत हमेशा अजित पवार के खिलाफ बोलते हैं जिससे अजीत एनसीपी से निकलें और ये वहां जाएं। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने संजय राउत को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 10 जून से पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। राउत अजीत पवार के एनसीपी छोड़ने का ही इंतजार कर रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे के बीच आग लगाने वाले भी संजय राउत ही हैं, ये नीतीश राणे ने कहा।
उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सभा के पहले मैंने बयान दिया था कि वो आखिरी सभा होगी, तब किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद एमवीए के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग अंदाज में ये कह दिया कि अब कोई वज्रमठ सभा नहीं होगी। ऐसे में अब संजय राउत पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि नीतीश राणे ने जो बयान दिया है उसके अनुसार संजय राउत कभी भी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि समय सीमा भी निर्धारित की है नीतीश राणा ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 जून से पहले पहले संजय राउत एनसीपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि अजीत पवार कैसे एनसीपी से बाहर जाएं, और जैसे ही वो एनसीपी से निकलेंगे संजय राउत वहां पहुंच जाएंगे। संजय राउत शरद पवार के पीछे पड़े हैं, उसका कारण यही है कि वो अजीत पवार के खिलाफ बोलते रहे और अजीत पवार पार्टी से निकल जाएं और संजय राउत खुद पार्टी में शामिल हो जाएं। इस तरीके की बातें बीजेपी नेता नीतीश राणे ने की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बयान दिया है जिसमें संजय राउत पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संजय राउत 10 जून से पहले पहले एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, गंभीर खुलासा किया है, वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि करीब 25 साल की अपनी राजनीति में शिवसेना के साथ जुड़े संजय राउत को अब वह कह रहा है कि 10 जून से पहले वह एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। इसका कारण उन्होंने बताया है कि संजय राउत लगातार शरद पवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, शरद पवार के अलावा अजीत पवार के खिलाफ बोलते रहते हैं, जिससे उनका तालमेल लोगों को भरोसा न हो। लेकिन उन्होंने यह दावे के साथ कहा है कि आने वाले 10 जून के पहले संजय राउत एनसीपी में जाएंगे, लेकिन वहीं अजीत सदा पवार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। यानी कि दोनों अटकलें कितनी सही है इस पर जो है गंभीर करने वाली बात है, क्योंकि दोनों जिन दोनों लोगों के बारे में नीतीश राणे ने खुलासा किया है वह बेहद चौंकाने वाला है कि एक तरफ एनसीपी के नेता अजीत सदा पवार यह कहते हैं कि मरते दम तक वह एनसीपी नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि पूरे जीवन में शिवसेना की सेवा करूंगा, बाला साहब ठाकरे के विचारों की सेवा करूंगा। अब ऐसे में इतने बड़े खुलासे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है वह 10 जून तक ही पता लग पाएगा। जी, क्या इस पर संजय राउत का कोई बयान सामने आया है, क्योंकि अब उन पर सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि वो कभी भी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में संजय राउत का क्या कहना है? देखिए, संजय राउत का सीधे तौर पर यह बयान है कि नीतीश राणे जैसे नेताओं को वह नेता मानते ही नहीं, क्योंकि नीतीश राणे कई बार इस तरह के झूठे आरोप झूठे खुलासे कर चुके हैं। दिशा सालियन मामले में नीतीश राणे ने कहा था कि उनके पास सबूत है कि शिवसेना जो है दिशा सालियन मौत में शामिल है, लेकिन अब तक न तो सीबीआई को सबूत दे पाए न खुद। तो ऐसे में नीतीश राणे जैसे नेताओं को नहीं मानते और क्या करते हैं इस पर उनका प्रतिक्रिया भी देना उचित नहीं समझते। जी, अगर संजय राउत जिस तरीके से नीतीश राणे ने बयान दिया है, अगर महाविकास अघाड़ी से माफ कीजिएगा शिवसेना उद्धव से निकल जाते हैं संजय राउत और एनसीपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। बिल्कुल, देखिए संजय राउत शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना की एक रीढ़ कहे जाते हैं। संजय राउत 25 साल से शिवसेना के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शिवसेना छोड़ने का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता है। अब संजय राउत जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बचाव में लगातार अपना भाषण देते रहते हैं, संजय राउत लगातार महाविकास अघाड़ी को लेकर एक जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश की थी उस दौरान न तो संजय राउत का फोन शरद पवार जी को गया, न ही उद्धव ठाकरे का फोन गया। इसी आंकड़े को बदलाव का आंकड़ा मानते हुए नीतीश राणे यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, संजय राउत के ऊपर यह भी आरोप है कि संजय राउत जो है जानबूझकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अलग करने वाला व्यक्ति भी संजय राउत है, तो इस तरह के गंभीर आरोप संजय राउत के ऊपर लगे। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता और जनसांख्यिकी बदलाव को देखते हुए उठाए जा रहे कदमों के बाद अब प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश में समुदाय विशेष की लगातार बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार इस तरह का कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघामी ने इस तरह के संकेत दिए हैं। सरकार के इस विचार को बीजेपी प्रदेश संगठन का समर्थन भी मिला है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी जनसंख्यिकी बदलाव और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कोई जरूरी कानून बना सकती है। पार्टी शीघ्र सरकार के साथ कई विषयों पर मंत्रणा करेगी और प्रदेश सरकार इस समय प्रदेश के धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप को बरकरार रखने की प्रतिबद्धता पर लगातार कार्य कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार जबरन धर्मांतरण मतांतरण रोकने के लिए सख्त कानून ला चुकी है। इसमें जबरन मतांतरण करवाने वालों को 10 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था है। क्योंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से अब लगातार संख्या बढ़ रही है एक विशेष समुदाय की, उसको लेकर सीएम ने संकेत दिए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रदेश में लाने पर विचार किया जा सकता है। दो बड़े मुद्दों पर अपना रुख बिल्कुल साफ किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समान नागरिक संहिता यूपीसी का ड्राफ्ट भी जो है 30 जून तक यहाँ पर फाइनल हो जाएगा और उसको देखते हुए साफ तौर से यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर जो नियंत्रण कानून को लेकर के जो लगातार पहले भी कई बार मुद्दा उठ चुका है उसकी भी जानकारी देते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि लगातार इस पर प्रयास किए जा रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस पर दबाव ना रहे और उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के अगर इस कानून को लाने की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको लेकर आएंगे और इसके कहीं ना कहीं सुखवाट भी सके हो सकती है कि पुष्कर सिंह धामी ये कानून ला सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए यहाँ पर तो पूरी तरीके से वो इस प्रकार के मुद्दों पर बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, क्योंकि जो अन्य सरकार यहाँ पर जो अन्य जो मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं रुख साफ नहीं करते, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले भी तमाम ऐसे कई बड़े मुद्दों पर रुख साफ किया है और उसको लेकर के अब यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी लगातार राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो भारी लोगों का जो आना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जमीन की यहाँ पर जो खरीद फरोख्त है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए इस तरह का जो कानून है वो लगातार यहाँ पर आ सकता है और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री के द्वारा कहा भी गया है। और इसके साथ ही आज प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भाजपा संगठन की तरफ से भी इस पर विचार किया जाएगा और अगर उचित लगेगा तो ये जो कानून है इसको लाने में भाजपा सरकार बिल्कुल पूरी नहीं करेगी। जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो समान नागरिक संहिता कानून भी लेकर आ चुकी है धामी सरकार, जिस तरीके से उस पर समिति गठित की गई और अलग तरह की बातें चल रही है उस पर, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी विचार कर रही है सरकार, ऐसे में संगठन का भी साथ मिल रहा है सरकार को, सीएम धामी को, और कब तक ये कानून लाया जा सकता है? क्योंकि धामी सरकार अगर इस पर विचार कर रही है तो जल्द ही इस कानून को ला सकती है। संगठन की बात की जाए, संगठन की तरफ से भी इस पर विचार विमर्श किया गया है, मुख्यमंत्री से बातचीत लगातार हो रही है और यहाँ पर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के लगातार, क्योंकि पहले भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है, अभी बैठक यहाँ पर जब मुख्यमंत्री की आवास सचिवालय में हुई थी वहाँ पर भी चर्चा की गई थी और इस कानून को लाने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ के जो प्रस्ताव है उसको कहीं ना कहीं संजोग रखा जाए और बाहरी रूप से जो लोग यहाँ पर आते हैं, जमीन खरीद की यहाँ पर खरीद फरोख यहाँ पर लगातार की जा रही है,
उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रोकथाम लगे। और पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि भाजपा सरकार की बात की जाए, इससे पहले भी कई यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने लगातार यहाँ पर हल करते हुए नजर आई है। उस पर भी पार्टी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर उन सभी चीजों का यहाँ पर निस्तारण किया जाए जो लंबे समय से यहाँ पर लंबित पड़े हुए थे। भले यहाँ पर अगर बात की जाए तो नकलबंदी कानून की बात की जाए, उसको लेकर के उन्होंने सबूत साफ किया, और आम जनसंख्या नेता कानून की भी उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लाने की कवायद की है, और तो उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अगर ये कानून आता है तो कई कई मुद्दे यहाँ पर जो है भाजपा के वो यहाँ पर आगे सकता है। आम जनता जो लगातार जो प्रयास कर रही है उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार उसको दिखाया जाए, बताया जाए और उसको सहयोग रखा जाए, इस तरफ कहीं ना कहीं बसवराज लगातार कार्य कर रहे हैं और इस कानून को लाने की गुहार यहाँ पर तेज हो सकती है। और गुस्सा देखिए बहुत जल्दी क्योंकि लगातार मुश्किल से काफी एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार कोई भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते, अगर उसके तरफ से संकेत दे रहे हैं तो ये जरूर है कि ये कानून लाया जाएगा। अब इस कानून को लाने में कितना समय लगता है, किसी समिति यहाँ पर गठित करने की बात की गई है, उनका क्या निर्णय निकलता है, यहाँ पर कितने दिन लगता है, उसमें इस चीज को लेकर जाएंगे ये देखना की बात उसको है। लेकिन 2024 से पहले अगर जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री इस कानून को लाने के लिए यहाँ पर उम्मीद नहीं करेगी और पूरी तरीके से यहाँ पर जो कार्य है उसके पीछे लगातार किया जा रहा है। ऐसे में अब अगर ये कानून लाया जाता है तो किस तरीके के प्रावधान इसमें किए जा सकते हैं, क्या इस पर कोई बात सामने आई है, क्योंकि संकेत दे दिए हैं और ऐसे में जिस तरीके से अगर मतांतरण की बात की जाए, जबरन मतांतरण की बात, तो उसमें 10 साल की सजा और 50,000 रुपए की जुर्माने की व्यवस्था है। ऐसे में सीएम धामी लगातार सख्त कानून बना रखे हैं, तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा तो इसमें किस तरीके के प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी अभी इस कानून को लेकर के बड़ा हालांकि मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इसमें विचार किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या इसमें कानून रखेंगे, क्या क्या इसमें चीजें रहेंगे, इससे पर इस तरह आगे जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि अभी कुछ कहना इसमें जलवायु क्योंकि कानून का स्वरूप यहाँ पर क्या रहेगा, जो समिति यहाँ पर गठित की जाएगी वो किस प्रकार से यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो रखेंगे कानून के अंदर, और इसमें क्या समय सीमा रहेगी, किस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है मुद्दा की कानून सख्त से सख्त यहाँ पर बनाने की कवायद जो है मुख्यमंत्री धामी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो कई प्रकार के मुद्दे है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सख्त रूप अपनाया है। इसमें नकल विरोधी कानून में यहाँ पर कई प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं और इससे पहले मनातर जो कानून बनाए गए उसमें भी कई प्रकार के यहाँ पर कठोर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर भी एक खाका तैयार किया जाएगा और उसको लेकर जो मुख्यमंत्री धामी लगातार यहाँ पर जो है अपने जो सहयोगी जो लोग हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात की जा रही है, कानून में किस प्रकार से यहाँ पर चीजें आएंगी ये कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जाएगा और सख्त से सख्त कानून बनेगा ये जरूर है मुद्दा। लेकिन कानून में क्या इस पर चीजें रहेंगी ये आना समय बताएगा और पूरी तरीके इस कानून के अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर लगातार जो चीजें हैं धर्मांतरण की बात की जाए, उसके साथ साथ यहाँ पर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पर किस प्रकार से यहाँ पर नियम बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 सप्ताह के दौरान साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों में वृद्धि दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि विभिन्न बैंकों और अन्य कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के लिए रखे गए फोन कॉल करने वालों के साथ ठगी हो रही है और उन्हें हजारों रुपए की ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि कंपनी वाले ही उन्हें फोन कर रहे हैं और उनके कहे अनुसार करने पर साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर पुलिस के पास आ रहे मामलों को लेकर साइबर अपराधियों को पकड़ने और उनका खुलासा करने के लिए टीम को जिम्मेदारी दी गई है। साइबर अपराध में निपटना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है और लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। पुलिस चाहकर भी साइबर अपराध पर ना तो अंकुश लगा पा रही है और ना ही साइबर अपराध कम होने का नाम ले रहे हैं और पेचीदा मामलों को सुलझा भी नहीं पाया जा रहा। साइबर अपराध के शिकार लोगों की औसतन हर माह साइबर थाने में 5,000 से ज्यादा कॉल आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए टोल फ्री नंबर 101930 है। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों से ठगी हो रही है और अलग अलग तरीके से ये जो ठग है वो लोगों से ठगी कर रहे हैं। अभी कंपनी के द्वारा फोन कॉल कर ये ठगी की जा रही है, किस तरीके से अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय से
साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो हिमाचल में बहुत बढ़ गई है, और ये चौंकाने वाली बात है कि जो विभिन्न बैंक है और अन्य कंपनी है उनके उनके लिए जो जो इंटरनेट पे जो उपलब्ध रहते हैं नंबर, वहाँ पे जो है ठगों ने अपने नंबर रखे हैं और वहाँ के जरिए जो है लोगों के साथ बहुत ठगी हो रही है। आपको बताएं कि अभी हाल ही में जो है राजधानी शिमला में जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी है आईडी भंडारी, उनको भी साइबर जो क्राइम जो साइबर अपराधी है उन्होंने अपना शिकार बनाया है। उनके बैंक खाते से दो बार जो है लगभग 50,000 रुपए निकाले गए, और ये जो मामला है ये भी पुलिस के लिए एक सबक बन चुका है। और वो हालांकि पुलिस कह रही है कि मामले को सुलझा दिया गया है, शातिर को पहचान किया गया है, जल्द ही जो है उसको हिमाचल लाया जाएगा। हालांकि अगर हम अलग अलग थानों की बात करें, अलग अलग थानों में विभिन्न जो अगर साइबर थाने हैं, साइबर थानों में हर माह लगभग 5 लाख से ज्यादा ये जो ठगी के मामले हैं सामने आ रहे हैं, और बहुत अजीब सा जो मतलब ये एक जो पिछले अगर 2 सप्ताह की बात करें अचानक से ग्राफ बहुत बढ़ गया है, तो ये पुलिस के लिए बहुत सिरदर्दी है। पुलिस बार बार लोगों से भी आग्रह कर रही है कि जो साइबर ठगी है उसमें जो आपके जो जानने वाले हैं, जो आप लिंक शेयर करते हैं, जो लिंक ओपन करते हैं, कोई भी अपील करते हैं तो बहुत सावधानी उसमें बरते, अपना जो पासवर्ड है उसमें उसको जो है और अन्य जो अपनी चीजें हैं वो किसी के साथ जानकारी साझा ना करें। और काफी जो चीजें हैं वो साइबर जो पुलिस है वो भी लोगों को जागरूक कर रही है। जो एडिशनल एसपी है साइबर क्राइम के भूपेंद्र नेगी, वो कह रहे हैं कि साइबर जो ठगी के मामले हैं उनको सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी जो गोपनीय जानकारी है वो साझा कर रहे हैं। ऐसे में जो साइबर ठगी का वो लोग शिकार हो रहे हैं, साथ ही पुलिस के लिए एक बड़ा सिद्धत वाला मामला बनता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग चीजों जैसे कि अभी तक ओटीपी का मामला आता था, अब ये अलग तरह से मामले आने लगे हैं। आपको एक जिस तरह से आपको क्रेडिट होता है उस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो पुलिस बार बार आग्रह कर रही है कि अननोन मैसेजेस पे जो चाहे वो लॉटरी के हैं नौकरी के वो आप क्लिक ना करें, क्योंकि अभी इतने मंगमेंट साइबर क्राइम के बढ़ चुके हैं। अब साइबर क्राइम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप जो ये अपराधी हैं इन पर सबसे पुलिस के लिए खासा सिरदर्दी भरा रहता है। जी टीना जी, जिस तरीके से लगातार अलग अलग कॉल्स आ रही हैं ग्राहकों को और उनको ठगा जा रहा है, क्या बैंक की तरफ से इस तरीके की कोई कॉल की जा रही है जिसमें उनको जागरूक किया जाए और बताया जाए कि बैंक कोई भी कॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक की पॉलिसी रहती है कि वो कभी कॉल नहीं करते हैं ग्राहकों को? बिल्कुल, बैंक बार बार जो विभिन्न बैंक है वो भी बार बार कह रहे हैं, बार बार अपने जो लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग उनकी तरफ से आपको कोई इस तरह का ओटीपी वाला या कोई भी इस तरह की जानकारी जो आपसे साझा करने को कहा जाए, बैंक की तरफ से कभी भी ऐसी कोई कॉल नहीं की जा रही है, तो आप लोग इन चीजों में ना आए। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो अभी पूर्व डीजीपी के साथ जो ठगी हुई है उसमें मामला ये था कि वो उन्होंने ऑनलाइन अमेजॉन ऐप है वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी, और उस जो वहाँ से जो जब उनको कोई दिक्कत आई तो जब उन्होंने एक जो नंबर होते हैं वो जब वो लेना चाहा इंटरनेट से, तो उनको वहाँ जो है किसी ठग का नंबर मिला, कंपनी का नंबर नहीं था। ऐसे में दिक्कत भरी ये भी बात है कि गूगल पे जितने भी जो नंबर है बार बार पुलिस भी कह रही है, साइबर पुलिस भी कह रही है, बैंक भी कह रहे हैं, कंपनियां भी कह रही है कि आप ये जो कस्टमर केयर के जो नंबर उपलब्ध रहते हैं उनको बिल्कुल सावधानी के साथ उनको डायल करें, क्योंकि वहीं पर अक्सर ठगी का लोग शिकार हो जाते हैं जब इंटरनेट और गूगल से आप लोग सर्च करते हैं, अपने ऑथेंटिक बैंक से सीधा नहीं संपर्क करते हैं, कस्टमर केयर से संपर्क करते हैं, वहाँ से जो लोग हैं वो उन्होंने अपने नंबर डाल रखे होते हैं, और वो वहाँ से जो है वो सबसे ज्यादा जो लोग हैं ये इस कारण से ठगी का शिकार हो रहे हैं जो वो गूगल पे रिलाई करते हैं, गूगल से सर्च मारते हैं, गूगल से सर्च मारने के उनको जो है नंबर जो मिलता है वो असल कंपनी का नहीं होता है, वो ठग का नंबर होता है, बहुत ही जो है वो साइबर क्राइम का जो है वो शिकार हो जाते हैं। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले की केसरी हिल में 5 पैरा कमांडो की शहादत का बदला लेने के लिए सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाते हुए 24 घंटे के भीतर एक आतंकी को मार गिराया है। एक अन्य आतंकी घायल बताया जा रहा है। घायल होने के बाद आतंकी भागकर किसी प्राकृतिक गुफा में छिप गया। उसकी तलाशी के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। सेना की ये कार्रवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राजौरी दौरे से कुछ घंटे पहले ही की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा कर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की
उन्होंने राजौरी और पुंछ में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर खासकर सुरक्षा समीक्षा बैठक कर हिदायतें दी है। उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे जवानों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। हालांकि हमले की जिम्मेदारी PIFF ने ली है। हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए केसरी हिल के साथ ही आसपास के इलाकों की घेराबंदी भी कर व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें खोजी कुत्तों के साथ ही हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से 5 हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उसके बाद उसका बदला लिया गया और एक आतंकी को ढेर किया गया, एक जो घायल आतंकी बताया जा रहा था उसके भागने की खबर सामने आई थी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए शुक्रवार की सुबह से ही आतंकियों के साथ एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ, जिसके बाद सेना ने त्रिनेत्र ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। यानी जो इलाका केसरी हिल का है, बाटा दूरिया और खास करके जो कोटरंगा का इलाका है, वहां पर केसरी हिल है, वहां आतंकी जो हैं उसी जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ सेना ने त्रिनेत्र ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। हालांकि जब एनकाउंटर शुरू हुआ था उसके 24 घंटे के भीतर ही एक आतंकी को मार गिराया था और एक आतंकी जो है वो घायल है, उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। लगातार सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, साथ ही में CRPF और पैरा कमांडो की टीमें लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए घेरा सख्त कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मौसम जरूर बाधा बन रहा है, लेकिन कहा जाए कि इसके बाद जब ये घटना पूरे देश में फैली तो कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला। खुद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो पहुंचे और सेना अध्यक्ष भी उन्हीं के साथ पहुंचे और सुरक्षा बलों और जवानों का मनोबल जो है वो बढ़ाया। लेकिन जो मारा गया आतंकी था उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है मुस्कान की, इस आतंकी की पहचान जो ढांगरी के अंदर नरसंहार हुआ था 1 जनवरी को, उस आतंकी जो मारा गया है उसकी पहचान जो है ढांगरी के लोगों ने की है, एक और माँ और बेटी ने की है, क्योंकि ढांगरी में इन्हीं आतंकियों ने कई घरों में रुक कर खाना भी खाया था और उन्हीं में से एक ने इस आतंकी की पहचान की है कि ये ढांगरी के आतंकी है। और मैं बता दूं कि ये जो इलाका है काफी घना जंगल है और प्राकृतिक गुफाएं जो हैं बहुत ज्यादा हैं और उसी का फायदा जो है आतंकी ले रहे हैं, क्योंकि आतंकी अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 18 महीने की बात करें तो लगातार अंजाम देने के बाद इन्हीं इलाकों में छुप रहे हैं और खास करके उन के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है जिन्होंने इनकी आतंकियों की मदद की है। कल ही कहा जाए तो 2 आतंकी बाटा दुड़िया में लोगों ने पनाह दी थी इन आतंकियों की, उन आतंकियों के घरों पर भी छापा मारा है और 2 ठिकाने जो हैं आतंकी ठिकाने जो होंगे वहां पर हथियार गोलियां बारूद जो है वो बरामद किया है। तो ये दर्शाता है कि वहां लोकल सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिल रही है, जिसके चलते आतंकी जो हैं अपनी वारदातों को अंजाम देने में सफल रहे। लेकिन कहा जाए अब उनको ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत घेर लिया गया है और जल्द ही उनका खात्मा भी किया जाएगा। हालांकि खोजी कुत्तों के साथ साथ हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।